हाय गाइस, आप देख रहे हैं ऑटो वाले अंकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों क्यों खुश हूँ मालूम है? पहली बात यह है कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज जो है मैंने कार्तिकेय 2 जो है सेकेंड बार देखी। दोस्तों भाड़ा लगते लगते जो है मेरा दिल की ख्वाहिश ये था कि मैं गेटी में ये मूवी देखूं, लेकिन 4 दिन हो गया गेटी में नहीं लगा। आज भी जो गोसी में, लेकिन अचानक जो है भाड़ा लग गया थाना में गया, वहाँ लगा था। दोस्तों देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ से भाड़ा मारते मारते अब मैं बोला अब वीडियो बना लेता हूँ। तो दोस्तों ये आपको सेकेंड बार मैं कार्तिकेय 2 देखा, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा क्या लगा वो आपको मैं बताता हूँ। पहली बात जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा लगा कि मुझे जो है ना बाहुबली का याद आ गया कि उसके अंदर जो एक लेडीज आवाज़ करती वैसा, इसके अंदर वैसे ही आवाज़ जो है सेम अलग तरीके का आवाज़ है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। जो ये मूवी देख रही है वही आवाज़ उनके दिमाग में घुसे। और उसके अंदर जो ऐसे जब वो जाते हैं अपना पानी के अंदर उड़ी मारते हैं शंख निकालने के लिए, वो म्यूजिक। फिर उसके बाद जो अपना क्या बोलते हैं उसको, ये वो सांप के बीच में जाते हैं और वो लड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ये है कि मैं आपको क्या बताऊं, इतना मुझे अच्छा लगा ना कि जैसे लग रहा जब भी मैं नर्वस हूँ ना तो ये मूवी जाके बैठ के देख लूँ। तो आज जो है मैं बहुत ऐसा मतलब नर्वस हो रहा था तो मैं डायरेक्ट वहाँ पहुँच गया थाने में और ये मूवी देखा। भाई पूछा, हाँ बोले लगा, मैं ये मूवी देखा। और म्यूजिक व्यूजिक सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगा। और अनुपम खेर का भले ही थोड़ा काम है लेकिन उन्होंने मूवी में जान डाल दिया। दोस्तों जान डाल दिया, मानना पड़ेगा। जो भी है ये मूवी जो है बहुत सी मूवी का याद दिलाती है और ये उसी तरह से चल रहा है जैसे कश्मीर द फाइल्स का जो है स्टार्टिंग में स्क्रीनें कम नहीं थी, बाद में बढ़ती गई। और आज और इसकी भी जो है कलेक्शन ज़बरदस्त है और बढ़ती जा रही है और अच्छी कलेक्शन भी कर रही है। तो मूवी जो है पब्लिक में देखा, पब्लिक बहुत ही बैठी थी। और दोस्तों ये देखा, भले हाउसफुल नहीं थी लेकिन पब्लिक थी। तो दोस्तों मैं यही है, दूसरी बार देखा, अच्छी लगी मूवी। अब जो है इस मूवी को देखने में और भी एक उछाल ले आया है कि इस मूवी को 4 स्टार के लायक नहीं है, ये मूवी 5 स्टार के लायक है। दोस्तों क्यों मालूम है? क्योंकि मूवी जो है बार बार देखने में अच्छी लग रही है। इसलिए हर एक पब्लिक जब निकलती है ना उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है, मुस्कान रहती है। उनको पूछो ना तो ये नहीं बोलते भाई क्या मूवी है, अरे यार क्या मूवी है। मानना पड़ेगा ऐसी कंटेंट नहीं मिला देखने को, लेकिन मान गया क्या मूवी है, मन करता और दूसरी बार देखूं। गाइड्स आपको मालूम है कि 19 तारीख को दहेंडी है और श्री कृष्ण का दिन, और उसी पर यह मूवी आधारित है। सबको मालूम है कि द्वारिका का जो है उसके ऊपर किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा कंटेंट और इतनी अच्छी स्टोरी लिख करके आ करके जो है वो भी 3 दिन के बाद जो है सैटरडे को लगा के पब्लिक के ऊपर पूरी हावी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा 19 अगस्त को, जब श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन कहीं भी टिकट नहीं मिलने वाली है, पूरी की पूरी हाउसफुल रहने वाली है। उस दिन जो है नहीं कुछ हो तो 10 गुना कलेक्शन आने वाली है दोस्तों। और जो है हर एक थिएटर में नहीं कुछ, कुछ थिएटर कम रहेगी और जो है बहुत थिएटर में लगी रहेगी। दोस्तों मैं यही चाहूँगा, ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।